भाई बर्फ के निशान बने हुए और यहीं से आगे बढ़ना पड़ेगा, यहीं से गए रिजर्व के यहाँ पे थोड़े हैं टीम मेंबर। कह रहा भाई ऐसे सोलो नहीं भेज सकते अकेले, आपको गाइड तो लेना पड़ेगा, चाहे सिंगल लेके जाओ चाहे चार पांच लोगों से तब भी गाइड लेके जाओ। जैसे ये लेके जा रहे थे कोई भाई गाड़ी फंस गई, देखो बाहर की है, बाहर की गाड़ी फंस गई भाई, देखो देखो भाई धक्का लो, भाई धक्का लो, चलो 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 चलो। मैंने गम बूट नहीं लिए बर्तन आगे, अच्छा बूट महंगे तो नहीं, मेरे को चाहिए नहीं थे वैसे, खर्च नहीं करना चाहते थे। करेंगे पैर के पास आ जाएगा, दो पैर ऐसे रखेंगे इसके ऊपर, तो लॉकिंग सिस्टम है। ओली कहाँ से आप लोग? मुंबई दिल्ली। भाई ने अपना पूरा स्टोव वगैरह लेके आ रखा, देखो मैगी बना रहे, मैगी बनने वाली है, हुक्का लगा रखा भाई, ओके इतनी देर में तो ये वर्थ ही है भाई। कोल्ड ड्रिंक अगर आपको कोल्ड ड्रिंक पीनी है, स्प्राइट पीनी है तो स्प्राइट ही पी सकते हो, समझ जाओ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ आप और आपकी फैमिली में सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हाजिर फ्रेंड्स आप सभी के लिए और नया ब्लॉग लेकर के। सबसे पहले आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कहाँ से? जोशीमठ से, देवभूमि उत्तराखंड से। यस फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है रिसेंटली मैंने एक जर्नी करी है दिल्ली से जोशीमठ। फिलहाल तो मैं ओली जाना चाहता था बट जोशीमठ तक ही मैं पहुंच पाया था, रात हो गई थी तो मैं ओली तक नहीं पहुंच पाया था। तो फिलहाल अभी मैं जोशीमठ के मेन मार्केट में नर्सिंग कॉम्प्लेक्स करके जीएमवीएन का ये जीएमवीएन का एक अपना ये कॉम्प्लेक्स है। और फ्रेंड्स बात करें, सुबह के बज रहे यहाँ पे 8:50। वैसे तो मेरा ऑली निकलने का प्लान था कि मैं 8 बजे यहाँ से मूव कर दूंगा, बट थोड़ा बहुत लेट हो गया। और प्रॉपर्टी देख सकते हैं फ्रेंड्स, एचडीएफसी बैंक है उसके जोशीमठ का, मेन मार्केट के बगल में आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी अंदर साइड पे। और ये इसका कुछ रास्ता है, यहीं पे मेरे को शॉप मिल गई, यहीं से मैं अपना कुछ नाश्ता पानी कर लूंगा, चाय वगैरह पी लेंगे। यहाँ पे बैठने का भी ऑप्शन है, अभी बस का भी ऑप्शन नहीं है ऊपर जाने का, टैक्सी से जाना पड़ेगा, शेयरिंग टैक्सी से नहीं मिल पाएंगे। शेयरिंग का क्या हिसाब किया था, यहाँ पे अभी क्राउड उस हिसाब का नहीं है जो होना चाहिए ताकि मैं शेयरिंग में उनके साथ चले जाऊँ, तो अभी इतना क्राउड नहीं है। और रोप वे यहाँ पे बंद है, रोप वे का मैं जाके दिखाता हूँ रोप वे कहाँ से मिलता है। देख सकते हैं ये वाली आपको बलैरो मिल जाएगी, टाटा सुमो मिल जाएगी ओली जाने के लिए, इसमें 8 से 9 लोग आ जाते हैं आराम से, पूछा मैंने अभी ये। और इनसे भी आप जा सकते हैं, ऑल्टो गाड़ी भी है, ऑल्टो गाड़ी भी जाती है, देखो ऑल्टो भी आई खड़ी हुई है, बट आप ज़्यादा लोग हो तो इसमें जा सकते हैं, इसमें आपके 8 से 9-10 बंदे आराम से फिट हो जाते हैं भाई, बढ़िया तो सही है। अभी इस टाइम पे रेट मैंने पूछा तो अभी चल रहा है 2500 रुपये के आसपास बताया मेरे को टाटा सुमो का, जो कि अभी ऑफ सीजन है, अभी क्राउड नहीं है, इसके चलते यहाँ पे 2500 रुपये के आसपास है। और यही सीजन आप में आएंगे आप 25 तारीख के आसपास या फिर अपना 31 तारीख के आसपास, तो हो जाएगा आपका 4 से 5,000 रुपये के आसपास, तो उस टाइम पे ज़्यादा महंगा हो जाता है। देखो मैं मेन चौक पे चौराहे पे आ चुका हूँ जहाँ से हमारी जो टी पॉइंट मिलते हैं, देखो ये। तो फ्रेंड्स मैंने अभी पता करा भैजी से, भैजी बता रहे हैं ऑल्टो अगर आप जाना चाहते हो तो अभी मेरे लिए बता रहे कि आपके लिए 1700-1800 कर देगा, अभी सीजन ऑफ है कि अकेला हूँ मैं यहाँ पे, अगर आप जाएंगे तो आप 2000 से 2500 रुपये के आसपास चल रहा है इसका रेट जो है ना, मतलब 2000 रुपये तक अभी चल जाएंगे, बाकी सीजन अगर 25-31 के आसपास आएंगे तो इसका कितना भैजी? सारे दिन की सुबह से शाम तक कितना? 2500-3000 के आसपास। ये देखिए जोशीमठ ओली रोप वे, देखिए रोप वे और क्लोज, ऊपर भी लिखा है बोर्ड लगा रखे हैं यहाँ पे, रोप वे क्लोज बिकॉज ऑफ लैंड स्लाइडिंग। ये जनवरी में लास्ट ईयर 2022 में हुई थी, तब से बंद है भाई ये। अब चलते टैक्सी का, मैंने आपको बता दिया, ये भी बता दिया, अब अपना अकेले का जुगाड़ करता है सोलो का कि मैं ओली कैसे पहुँच सकता हूँ। और ये कुछ पार्किंग के चार्जेस आप देख सकते हैं, ये पुराने भी हो सकते हैं बट लगाए हुए हैं, मेरा फ़र्ज़ है कि आपको दिखाना। ये जो आप पार्किंग देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये फ्री पार्किंग है, दिन में आप पूरे दिन खड़ी करिए गाड़ी अपनी, तो यहाँ पे कोई आपको चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। अगर आप नाइट में लगाते हैं तो आपको 50 रुपीज़ देने पड़ेंगे, पूरे दिन की फ्री पार्किंग है, नाइट का इसका 50 रुपीज़ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको एक और इन्फॉर्मेशन बता दूँ, यहाँ पे मैंने ओली जाने के लिए एक्सप्लोर करने के लिए एक भैया से बात कर ली है जो कि ऑल्टो टैक्सी में है, वो शेयरिंग में जा रहे हैं, एक बंदा मिल गया था, एक या दो बंदे हैं वो मिल गए, वो भी आ रहे हैं, उन्होंने बोला आपको सस्ते में करा देंगे, बाकी सारा रेट मैं आपको बताऊँगा थोड़ी देर बाद, कितने मेरे को पड़ा, क्या क्या मैंने जुगाड़ बिठाया है, जुगाड़ तो है भाई, जुगाड़ तो बिठा लेंगे, आना जाना दोनों के, जिनसे मैंने बात करी है जाने के लिए ऑल्टो में भाई, यार लक्की तो हूँ मैं, कहीं ना कहीं अपना जुगाड़ बन ही जाता, और बहुत बढ़िया पैसे में वो मेरे को छोड़ रहे हैं, मात्र 800 रुपये में भाई, अपना आना और जाना भाई। ये फ्रेंड्स अपनी टैक्सी देखिए, भैजी के पास आ चुकी है, भाई भाई अपने साथ हैं यहाँ पे, अपना आगे से बैठे कुछ आपके लिए कवर भी कर लेंगे, और अब भाई अपने साथ है, नाम क्या भाई आपका? अमर। अमर सौम्य रंजन। आपका भाई? नवीन। ये अपना पुणे से आया हुआ है स्पेशली ओली घूमने के लिए भाई, सफरनामा हमारे यहाँ से निकल चुका है, जय बद्री विशाल, गाड़ी फंस गई उसकी, जैसे अभी सही है मौसम, हम चले गए ओली, रात आपने वहाँ स्टे किया, पूरी बर्फ आ गई, यहीं से आपको बर्फ देखने को मिल जाएगी भाई, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ से अपना जो शूज वगैरह ले सकते हैं, ये देखिए गम बूट वगैरह मिल जाएंगे आपको, ये आप ले सकते हैं कोई भी।
ये है कुछ ड्रेसेस है की अपने तो चल जाएंगे भाई, मैं तो ये अपने चल जाएंगे अपने डिगेट लॉन वाले भाई से। भाई साहब क्या गजब का व्यू आया यहाँ से। ये देखो गाड़ी फंस गई, देखो भाई भाई बाहर की गाड़ी फंस गई, भाई गाड़ी फंस गई, देखो बाहर की गाड़ी फंस गई भाई, देखो देखो ये देखो भाई ये अगर गाड़ी से आ रहे देखो ये देखो भाई धक्का लो भाई धक्का लो, चलो 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 उस्ताद चलो हल्का भाई वही वो नीचे यही तो बात कर रहे थे, कह रहे क्या है अभी आप आने का चक्कर बताओ, आने का चक्कर क्या है ये बताओ, रात में दिक्कत है थोड़ा सा। चलो 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 आगे रोकना बिल्कुल आगे जाके। ये फ्रेंड्स आपने देखा अगर आप पर्सनल व्हीकल से आ रहे हो, अभी तो फिर भी 16 तारीख हुई है, अगर आप आगे आने वाले टाइम पे बात कर रहे हो तो भाई फुल स्लिप मारी गाड़ी, उस टाइम पे अपनी गाड़ी के ऊपर अपनी रिस्क करके आना। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे केबल चेयर कार के पास हमें उतार दिया है भाई जी ने, कर रहे हैं ये केबल चेयर कार है देखो यहाँ से आगे जा करके, वेलकम टू स्की रिजॉर्ट ओली। अब ऊपर जाएंगे यहाँ से, भाई जी ने हमें छोड़ दिया और हमको अपना विजिटिंग कार्ड दे दिया है, विजिटिंग कार्ड जरूर ले लीजिएगा। और यहाँ पे आपको दो से तीन चीज़ें और एक्स्ट्रा बताऊंगा जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है, अगर आप यहाँ पे आएंगे सीजन में तो अगर अपनी गाड़ी से मत आना, मैं तो यही बोलूँगा बिल्कुल भी, लोकल की टैक्सी लेना वो ज़्यादा बेटर है। बात यहाँ पे बात पैसे बचाने की नहीं, बात ये कि आप फंस जाओगे तो बेकार में आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। ये देखिए भाई ये अपनी केबल चेयर कार है, आपको दिखाते हैं ऊपर से एक बारी, और अगर आपको केबल चेयर कार से नहीं जाना तो आप पैदल भी जा सकते हैं, मैं पैदल जाऊंगा। यहाँ पे भी मैं आ चुका हूँ, केबल चेयर कार जो है यहाँ पे आपको टिकट मिल जाएगा, टिकट जो यहाँ पे 500 रुपीज़ पर पर्सन है ये देख सकते हैं। तो ये कुछ है आपको दिखाता हूँ एक बारी, मैं तो नहीं जा रहा फिलहाल, मैं इससे दूर हूँ। देखो ये आपको जहाँ पे चार बंदे बैठेंगे दो पैर ऐसे रखेंगे इसके ऊपर, तो लॉकिंग सिस्टम है तो इससे अभी आप जा सकते हैं, 500 रुपये में आपको ऊपर छोड़ देंगे, कौन सी लोकेशन पे छोड़ते हैं वो मैं पूछ लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सर से मैंने भी पता कर ली इन्फॉर्मेशन, ये मॉर्निंग में जो केबल चेयर कार खुलता है 9 बजे खुल जाता है, आप यहाँ पे आए तो ऑनलाइन बुकिंग है सर इसकी अवेलेबल, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, अगर यहाँ पे सीजन में थोड़ा क्राउड रहता तो आप ऑनलाइन भी बुकिंग करा सकते हैं, अदरवाइज आप ऑफलाइन भी आ सकते हैं। और ये जहाँ पे ड्रॉप करता है उसका नाम है 8 नंबर पॉइंट बता रहे हैं, 8 नंबर पॉइंट जहाँ पे स्नो वगैरह मिलती है, चाहे तो आप केबल चेयर कार से ऊपर आ सकते हैं, यहाँ से आप बाय वॉक भी जा सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपका अगर हेल्थ अच्छा है आपका स्ट्रेंथ अच्छा है तो आप यहाँ से पैदल भी जा सकते हैं काफ़ी। ये तो फ्रेंड्स बस स्नो का एक थोड़ा सा ट्रेलर है छोटा सा बिल्कुल, अभी आने वाले टाइम पे आपको यहाँ पे पूरा भर के बर्फ मिलने वाली है, ये देखो भाई फुल एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए ये तो पूरा फुल मिल जाएगा यहाँ पे पूरा भर जाएगा, ये देखिए आने वाले टाइम पे भाई ध्यान रखना यहाँ पे जब भी आप वॉक करेंगे बस गिर ना जाए, ये देखिए गिरना तो बनता है एक बार स्नो में आए तो गिरने तो फायदा ही क्या। हाँ तो ये चीज़ है, बाकी मेरे शूज़ भी मैंने भाई, ये शूज़ दिखाता हूँ सबसे पहले, ये मैंने नॉर्मल शूज़ ले रहे हैं ट्रैकिंग वाले, बट मैं सोच रहा हूँ इसमें काम चल जाएगा, वाटर रेप्लिकेंट है बट कोई नहीं, बाकी जाएंगे आगे दिल्ली पहुँचेंगे तो वहाँ से दूसरे शूज़ भी ले लेंगे, बाकी और भी ट्रैकिंग करनी है ना, फिलहाल मैं ये ले लिया था, मैंने गमबूट नहीं लिए बढ़ते आगे। अच्छा बूट महंगे तो नहीं, मेरे को चाहिए नहीं थे वैसे, ये लो भाई, ये भाई भी आ रहे कहाँ से भाई आप लोग, नोएडा से भाई, ये लोग भी घूमने आ रखे हैं एनी व्लॉग्स भाई ANI स्पेस व्लॉग्स। तो ये देखो वॉक करके आ रहे हैं, अगर आपको केबल चेयर कार से नहीं आ रहा, ऊपर बर्फ पड़ी बढ़िया बहुत तगड़ी है, तो दिखाओ कैमरे में बहुत फुल मौज है ओली में, ओली में फुल कैमरा भाई आ तो रहा है, पूरी मौज है भैया, सब आई हो, सब आई है भाई पूरी मौज है। ये देखिए भाई स्की कर रहे हैं, अभी तो पूरा प्रॉपर भी चादर आई नहीं है बट फिर भी आपकी स्की हो जाएगी इतना तो है। ये फ्रेंड्स देखिए ये भी आए हुए ओली, कहाँ से आप लोग, मुंबई दिल्ली, चलो वो भाई दिल्ली से अपने इधर से हैं, एंजॉय कर रहे हैं फुल भाई बूम बॉक्स लेकर के, देखिए
ये देखो भाई सामने पहाड़ी कुत्ता, ये ठंडी लगती है भाई पहाड़ी कुत्तों को ना। ये देखो ये पहाड़, अगर आपकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, अगर आप नहीं चल पाएंगे तो कृपया करके आप केबल चेयर कार से आ जाना, वो ज़्यादा बेनिफिट है अगर आपका बजट है तो, क्योंकि पैदल चलोगे ज़्यादा ना तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आप एक्सप्लोर अच्छे से नहीं कर पाओगे। मैं पैदल जा रहा हूँ इसलिए कि मैं आपको दोनों में डिफरेंस बता पाऊँ, जब मैं पैदल जाऊँगा तभी तो आपको डिफरेंस बता पाऊँगा ना, वो तो आपको सीधा चली लेके चलेगी। पैदल में क्या दिक्कत होती है, पैदल में आप थक जाएंगे, पहला थक जाएंगे तो एक्सप्लोर अच्छे से नहीं कर पाएंगे पहली बात। उसके बाद जब थक जाएंगे तो उसके बाद आपका मन ही नहीं करेगा वहाँ पे एक्सप्लोर करने का, बोलेंगे भूख लग रही है और मैं नहीं, घर चलो फिर सीधा, क्योंकि ऊपर क्या है स्नोफॉल ज़्यादा होगी जनवरी फरवरी के टाइम पे, तो केबल चेयर कार ही बेस्ट है वहाँ से, केबल चेयर कार से आ जाना, अपना टाइम भी बचा लेना, जल्दी पहुँच के घूम भी लेना, जल्दी आप निकल भी जाओगे, तो ये बेनिफिट है। तो मेरा तो क्या था उनके लिए है कि इनके पास बजट नहीं है या फिर अपना जो पैदल चलने में कम्फर्टेबल है वो जा सकते हैं, गम बूट लेके बड़े वाले, छोटे वाले मत लाना वरना बर्फ़ भर जाएगी जनवरी फरवरी के टाइम पे। ये फ़र्ज है मेरा आपको बताना ताकि आप अच्छे से प्लानिंग कर पाएँ अकॉर्डिंगली ना, उसी हिसाब से बजट लेके चलें और उसी हिसाब से अपना प्लान करें घूमने का। ये देखो 8 पॉइंट है, 8वें पॉइंट ये है। और भाई जी ठीक छो, ठीक है, बढ़िया बढ़िया भाई जी। यहाँ तक आपका जो है ये केबल चेयर कार आती है देखो सामने, ये यहाँ पे आपको उतारेगी और यहीं से फिर आप आगे जाएंगे। और मेन क्या चक्कर है, यहाँ से पहुँचने मेरे को आधा घंटा लगा पूरा नेट, आधा घंटा रुकते रुकाते फ़ोटो वोटो खींचते हुए वैली वगैरह देखते हुए, तो मेरे को आधा घंटा लगा। तो उस हिसाब से देख लेना अगर आप आएंगे पैदल तो आपको एक घंटा पौना घंटा लग जाएगा इस वाले पॉइंट पे पहुँचने के लिए। रोप वे जो मेन रोप वे जो जोशीमठ से आता है वो तो बंद पड़ा है, देखो ये देखो ये बंद पड़ा हुआ है, ये पूरा बंद पड़ा हुआ, अदरवाइज खुला होता तो पूरा आपको आगे तक छोड़ता पूरा आगे तक। अब यहाँ पे आप घोड़ों से जाओगे एटीवी बाइक से जाओगे, मैं इसका पता कर रहा था, घोड़े मेरे हिसाब से कुछ 1200 से 1500 रुपये लेते हैं पर पर्सन, और एटीवी बाइक भी 1500 से 2000 रुपये लेती है। यहाँ से भी एक चाय और एक ये नमकीन लिया है सामने से, ये भाई घोड़े जिससे आप ऊपर जा सकते हैं खड़े, ये देखिए इनसे आप जा सकते हैं। चलो भाई अपन तो बढ़ रहे हैं पैदल आगे, जितना पॉसिबल हो पाएगा उतना आगे जाएंगे। फिलहाल भाई देख के उतरना है, यहाँ से पूरा गीला हो रखा है भाई, कैसे बताऊँ मैं। ये है यहाँ का मैनमेड लेक जो बताते हैं भाई ओली का, फिलहाल तो कुछ है नहीं इसके अंदर खास ऐसा। भाई फ्रेंड जल्दी से अब बढ़ते हैं आगे, ऊपर जितना आते जा रहे हैं उतना ठंडी लगती जा रही है। अब मैं फटाक से आपको दूसरी लोकेशन पे लेके चलता हूँ, एक तो ये आपको मैनमेड लेक दिखा दी, एक मंदिर दिखा दिया, अब दूसरी जगह लेके चलते हैं, बुग्याल वगैरह कवर करते हैं आपके लिए। ओए भाई साहब गजब भाई, इससे भी आप जा सकते हैं। ये देखो देखिए काफ़ी आगे तक तो आ गया हूँ मैं, 10 पॉइंट तक आ गया हूँ, 10 पॉइंट थोड़ा सा ऊपर है। ये देखिए फ्रेंड्स ये 10 पॉइंट तक आ चुके हैं, ये अभी जब जिस हाइट पे हैं वो 10,200 फीट है। ये देखो मेरा फ्रेंड्स यहाँ से भी आगे जाने के लिए मना कर दिया है, कह रहे भाई रिजर्व एरिया है, फॉरेस्ट रिजर्व एरिया, जाना है तो भाई टूरिस्ट गाइड के साथ जाना। भाई यहाँ पे तो बिल्कुल मना हो गया, कह रहे भाई विदाउट अपने गाइड के बिना नहीं जा सकते ऊपर, कह रहे भाई कैजुअलिटी हो जाएगी। और मैंने बोला कि इतनी ज़्यादा बर्फ भी नहीं पड़ी यहाँ पे फॉरेस्ट रिजर्व के, यहाँ पे थोड़े हैं टीम मेंबर, कह रहे भाई ऐसे सोलो नहीं भेज सकते अकेले, आपको गाइड तो लेना पड़ेगा, चाहे सिंगल लेके जाओ चाहे चार पांच लोगों थे तब भी गाइड लेके जाओ। जैसे ये लेके जा रहे थे भाई सामने, ये गाइड लेके जा रहे हैं, अब मैं यहाँ पे गाइड लूँ 500 से 800 रुपये बता रहे हैं, ऐसे करके यहाँ पे रूल है भाई, विदाउट इसके रूल के नहीं आएंगे। अगर आप भी प्लानिंग कर रहे हैं तो आप नीचे से गाइड ले सकते हैं भाई, नीचे से गाइड लेके फिर ऊपर जा सकते हो, सारा गाइड करेगा आपको, घुमाएगा फिराएगा और सारी चीज़ें बताएगा और अपने रास्ते से लेके जाएगा और अपने रास्ते से लेके आएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे बड़ी मशक्कत करने के बाद भाई अपने ये लोग मिल गए थे भाई दिल्ली से, लेकिन मैं किसी और के साथ था, ये भाई भी दिल्ली से थे, भाई मेरे पास इतना बजट नहीं था कि मैं इतना दे सकूँ 800-1000 रुपये के आसपास, भाई लोग मिल गए थे ये भी जा रहे थे, मैं भाई साथ में चलते थे टूरिस्ट गाइड, बैजी मिल गए, बैजी नाम क्या आपका? मोहित नाम है बैजी का। और यहाँ पे भाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हमारी भाई स्लिप भी कट चुकी है 20 रुपीज पर पर्सन, थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ अच्छा हो जाता है मेरे साथ ऐसी बात, मैं तो नीचे आ रहा था भाई गाड़ी के पास, भाई लोग मिल गए थे अभी दिल्ली से, भाई नाम क्या आपका? रोहित है, राजेश भाई, इनके साथ आज जर्नी हो रही है मेरी, यहाँ से अपना ट्रैकिंग हो रही है, मेन पॉइंट यहीं से है यार। अब देखो मैंने वहाँ पे 500 रुपीज केबल चेयर कार के नहीं दिए, यहाँ पे फिर वो 800 रुपए टूरिस्ट गाइड के मेरे को वर्थ इट नहीं लग रहे थे, अगर 3 से 4-5 लोग होते ना यार मैं कर लेता, कोई दिक्कत नहीं थी मेरे को यार। जन्नत भाई जन्नत, इसे कहते हैं जन्नत यार, फाइनली अपन ट्रैकिंग पे निकल चुके हैं,
अगर आप भी प्लानिंग कर रहे थे और आप लोग भी आ सकते, देखिए क्या प्यारा व्यू है यार। भाई मजा तो आ रहा है भाई ट्रैकिंग में, एक बात तो है। यहीं से बना के ले जाएंगे। ये देखिए अब हम पहुंच चुके भाई वन देवी मंदिर। ये वन की रक्षा करती हैं माता जो हैं, है भाई जी, वन देवी माता का मंदिर है इनका। और ये देखिए भाई हमारा फर्ज बनता है कि हम वन में आए तो भाई हमारा पहले बनता है कि हमने माथे पे लगाया। भाई हम किस्मत वाले हैं, भाई मैं और आप किस्मत वाले हैं कि मैं आपको वन देवी माता के दर्शन करा रहा हूँ। देखो भाई फ्रेंड्स अभी हम जाएंगे आगे गॉड्स ऑफ बुग्याल, बुग्याल के बाद 360 व्यू जी, 360 व्यू के बाद फिर अपना वापस जी 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 360 तक ही सब लोग जाते हैं, वहां से पूरा आपको 360 व्यू दिखेगा। रात होने से पहले पहले मेरे को नीचे भी उतरना है तो उससे पहले हम कर लेंगे अपना एडवेंचर वगैरह जितना। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपको ऊपर? बहुत बढ़िया। 360 वर्थ विजिट है क्या? वर्थ विजिट है ना आना यहाँ पे ओली में। फ्रेंड्स देख लीजिए बता रहे ओली भाई, अभी जब बर्फ पड़ेगी आपका वर्थ विजिट है। ये कंपैरिजन ये मनाली से भाई, इसका अलग एक मजा है ओली का। और टूरिस्ट गाइड के साथ ही सब लोग आ रहे हैं, मुझे पता लग रहा है टूरिस्ट गाइड कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सीरियसली मुझे पहले लगने लगा था कि मैं अकेले अकेले मजे में ले रहा था, बट नहीं। ये देखो फ्रेश स्नो है भाई यहाँ पे, जैसे आप आगे बढ़ोगे यहाँ पे भाई जी ने देखो शॉप लगाई हुई है, यहाँ पे खाना पीना खा सकते हैं, मैगी वगैरह ऑमलेट वगैरह सब। सारा बुग्याल एरिया पूरा ना भाई जी, मतलब बीच में पेड़ पौधे नहीं, बीच में पेड़ पौधे कुछ नहीं, सारा फ्लैट। और ऊपर जा रहे हैं देखो आगे जाके 360 व्यू है, थोड़ा सा बचा हुआ ना भाई जी। तो यहाँ से अब क्या मैं आगे अकेले बढ़ूंगा पूरा ये बुग्याल क्रॉस करके, मेरे को उस साइड पे जाना है इस लोकेशन पे। भाई लोग यहीं पे अपना बैठेंगे एंजॉय करेंगे, एंजॉय करने आए थे क्योंकि अरे हमारे पास लेस टाइम है, 3 बज चुके हैं, इनके पास 4 बजे तक का टाइम है, 4 बजे के बाद ये वापस मूव करेंगे। और यहाँ पे आपको कुछ बहुत सारी बातें मेंशन कर देता हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेंगी। पहली बात तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, पहली बात तो जब जनवरी में बर्फ पड़ेगी यहाँ तक आना आपका बनेगा नहीं। पहली बात अगर यहाँ तक आने का प्लान कर रहे हैं, रास्ता खुला हुआ है, तो पहला टूरिस्ट गाइड लेके आना, चाहे कितने का भी है, सारे बंदे स्प्लिट कर लेना पहला। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप जो है घोड़े कर लेना, घोड़े से आना सबसे बेस्ट ऑप्शन है उससे, वरना मत आना अगर आपके पास ऐसे नहीं आ सकते तो। अगर आप जोशीमठ से आ रहे हैं ओली घूमने के लिए तो सुबह सुबह 7 से 8 बजे अपना होटल छोड़ देना, वहां से गाड़ी करके सीधा ओली आ जाना भाई, तभी आप अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे, क्योंकि आपको 4-4:30 बजे तक वापस भी निकलना होगा, क्योंकि केबल चेयर कार बंद हो जाती है 4:15-4:30 बजे, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ से मूव कर रहे हैं 3 बजे के आसपास। मैं 3 बजे यहाँ पहुँच रहा हूँ तो मेरे को तो साथ में कोई था नहीं, बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ी कि बंदों को ढूंढना पड़ा, गाइड ढूंढना पड़ा, फिर पैदल आया मैं, कोई मैंने केबल चेयर कार नहीं करी। तो ये चीज़ है, थोड़ा इससे आपको आइडिया मिल गया होगा क्यों। यहीं से आगे बढ़ रहे हैं भाई, कुछ पैर बने हुए यहीं पे, यहीं से चलते हैं। ये भाई देखो भाई जी वहाँ पहुँच रखे हैं, बहुत दूर है भाई, तो चलते हैं अपना। ये देखो भाई बर्फ के निशान बने हुए हैं और यहीं से आगे बढ़ना पड़ेगा, यहीं से गए हूँ भाई ना। ये देखो सब लोग को यहीं से आना जाना हो रहा है, तो मैं ये कदम बढ़ते बढ़ते सीधे वहीं पहुँचूँगा ऊपर। तो फाइनली दोस्तों अभी पहुँच चुका हूँ मैं गॉडसन बुग्याल क्रॉस करने के बाद 360 व्यू पॉइंट पे। यहाँ पे आना ना एक जन्नत जैसा है लगेगा, मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि हाउ आई एम फीलिंग राइट नाउ, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ यहाँ पे आने के बाद। मैंने ओली के बारे में यार सुना था कि ओली में बुग्यास बहुत फेमस है, देख भी लिया, दिस इज माई फर्स्ट टाइम इन ओली। ये वाली कौन सी पीक है? ये नंदा देवी, सामने आप जो देख रहे हैं ये नंदा देवी है, और इसके बगल में आप जो देख रहे हैं द्रोणागिरी, ये अपना द्रोणागिरी है, इसके बगल में आप जो देख रहे हैं ये ब्रह्म कमल है, और ये वाला भाई जी हाथी घोड़ा पालकी जी, और नीलकंठ है शायद, नीलगिरी है वो। तो ये सारी पीक आपको देखने को मिलेंगी। आप जरूर आइएगा प्लान करना, आपकी जो भी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अभी चल रहा है बस। तो यहाँ पे आप बता दो 3:14 हो रहे हैं, मैं यहाँ से नीचे उतरने की तैयारी करूंगा। नीचे अगर आप भाई अपना 8वें पॉइंट तक या 10वें पॉइंट तक जाएंगे तो टूरिस्ट गाइड की जरूरत तो नहीं होती, तब नहीं होती ना। अगर आप ऊपर आओगे तब आपको टूरिस्ट गाइड की जरूरत होगी। अगर आप 8वें पॉइंट तक आते हैं वहां तो यार आराम से केबल चेयर करा ही दिया है, वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये देखो भाई अपना आ चुके हैं, भाई लोग जो मेरे साथ पीछे रह गए थे, भाई ने अपना पूरा स्टोव वगैरह लेके आ रखे, देखो मैगी बना रहे हैं, मैगी बनने वाली है,
हुक्का लगा रखा भाई, ओके रिपोर्ट फुल बूम बॉक्स है और बैग में भर के ला रखे थे भाई। कैसा फील हो रहा है यहाँ पे? ये देखो भाई, ये देखो भाई जी अपने साथ पीछे बैठे हुए भाई, भाई फुल मैगी रेडी है। वहां पे जो मैगी मिल रही थी वो 100 रुपए की है, हमने 400 रुपए बचा लिए भाई। देखो अपनी मैगी अपनी रेडी है भाई। देखो भाई मैगी भाइयों के साथ मैगी मूवमेंट यार, थैंक्स अ लॉट भाई। हिप हिप ये भाई 100 रुपए में जाओ। रोहित टेस्ट बताओ। बढ़िया भाई, किस भाई ने बनाई है? और इतनी देर भाई बनाई है भाई, इतनी देर में तो ये वर्थ ये भाई। कोल्ड ड्रिंक अगर आपको कोल्ड ड्रिंक पीनी है, स्प्राइट पीनी है तो स्प्राइट पी सकते हो, समझ जाओ। अपना फ्रेंड्स व्लॉग अपना हो चुका है, अब मैं नीचे उतर रहा। जो मेरे साथ थे भाई उनको मैंने पीछे छोड़ दिया, उनका हिसाब किताब मैंने भैजी के साथ कर दिया जो हमारे गाइड थे। एक्चुअली वो गाइड नहीं है, वो घोड़े वाले हैं। अगर आपको घोड़ा चाहिए घोड़े पॉइंट से ऊपर 360 व्यू पॉइंट खुला होगा तो वहां तक आना चाहते हैं या नीचे भी घूमना चाहते हैं तो उनके साथ कॉन्टेक्ट करना, घोड़े वाले भैया का, उनका नाम मोहित है। इस पे आपको स्क्रीन पर नंबर दे दूंगा, उस कॉन्टेक्ट पर कॉल करके पता कर सकते हैं अगर आपको घोड़े से घूमना है। केबल चेयर कार था, यहाँ पे आ गया हूँ, अच्छा खासा उतर गया। वो तो बहुत पीछे भाई, बहुत पीछे, वो सही टाइम पे उतर गया। अभी हो रहे हैं यहाँ पे, आपका टाइम हो रहा है 4:30 के बाद हमें पहुंचूंगा अपना नीचे। तो वहीं पे आ गए हैं, अभी देखते हैं टैक्सी वाले भैया तो निकल गए, बट किसी और की टैक्सी में भिजवाएंगे। वो कह रहे थे भाई 4:30 तक आना है, वो 5-7 मिनट पहले निकल गए भाई। वो अब यहीं पे देखते हैं, जुगाड़ वानी करके करेंगे, उनसे फोन करके बात करेंगे, फिर निकलेंगे भाई आराम से। गाड़ी ने अपने को यहाँ उतार दिया भाई, रात हो गई है और अपना आगे बढ़ रहे अपना होटल की तरफ। अगर आपको नॉनवेज खाना है तो यहाँ पे आ सकते हैं, कंडारी होटल जो मेरा जीम वियन का होटल है उसके बगल में आपको होटल मिल जाएगा। यहाँ पे आपको आपका जो नॉनवेज मिल जाएगा बढ़िया। फाइनली मैं अपने जीम वियन में आ चुका हूँ, यहाँ पे भी आप नाइट में स्टे करूंगा, अपना वही डॉर्मेट्री में जो स्टे किया हुआ था आपको दिखाया था। तो कैसा लगा आपको पूरा ब्लॉग मेरा जोशीमठ से ओली, ओली में सारी चीज़ एक्सप्लोर करी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करके दी जितना मुझसे पॉसिबल हो सकता, फर्स्ट टाइम मैंने कवर किया तो आपको उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई होगी। यार हेल्प हुई हो तो लाइक का बटन पहले दबाना, और वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के लिए को सबको शेयर कर देना ताकि उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाए ओली का प्लान अगर कर रहे हैं। और लास्ट वाला ब्लॉग भी आपने देखा होगा तो वो भी बेस्ट है, तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करना चाहूँगा और शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। बस ये आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी इस वाले ब्लॉग में, ओली के ब्लॉग में फर्स्ट टाइम। तो ओके फ्रेंड्स, जोशीमठ से आपसे भी लोगों से विदा लेना चाहूँगा, अपना अपने फैमिली का ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, जल्दी से ओली आने का प्लान बनाइए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद एक नई वीडियो के साथ।